नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रे पूरे हो गए हैं, अब पड़ रही है बहुत भयंकर गर्मी। हमारी यहाँ तो फ्रेंड 44 डिग्री गर्मी है, तो हमने सोचा कि बना लेते एक हेल्दी सा ड्रिंक जो कि पेट भी ठंडा रखेगा, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ठंडक भी देगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये सौंफ का शरबत। ये लिए हमने सौंफ। सौंफ को सेक के नहीं लेना है, सौंफ को कच्चे ही लेना है। सेकी हुई सौंफ में फिर वो गुण नहीं होते हैं जो हम चाहते हैं। तो इस सौंफ को मिनिमम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देना है ताकि इसकी गुणवत्ता बढ़ जाए। ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे तो ये सौंफ का शरबत कोई काम का नहीं रहेगा और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, इसको 6 से 7 घंटे के लिए पहले भिगो देंगे, फिर हम शरबत बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही सौंफ को भिगो दिया था। ये आधा कप सौंफ है और ये हमने आधा कप सौंफ भिगोई थी जो कि ये फूल के डबल हो गई है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे ये वाली मिश्री जो कि इसको अच्छा सा स्वाद भी देगी और ये हमें ठंडक भी पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने सौंफ आधा कप लिए, यानी कि ये 100 ग्राम सौंफ है। उसके सामने हम ये लेंगे 200 ग्राम मिश्री। और फ्रेंड्स, इसको ना हमें कुक करने की जरूरत है, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे और इसे फ्रिज में 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि जब भी हमारे पीने का मन करे हम बना के पी सकते हैं। हम इसे दूध में भी बना सकते हैं और पानी में बना सकते हैं, हम आपको दोनों तरह से बताएंगे। पहले हम इसे यानी कि मिश्री को फोड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये मिक्सी में फोड़ के से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस मिश्री में अंदर ये धागा भी होता है, इसे निकाल दें, ये हमारे काम का नहीं है। मिश्री को हमने थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अब हम इसे पीस लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। मिश्री को हमने पीस लिया है कुछ इस तरह से और इसका एकदम फाइन पाउडर बन गया है। इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसी में हम जो हमने सौंफ भिगोई थी उसे भी पीस लेते हैं। इसका पहले पानी निकाल देंगे, फिर हम इसे पीस लेंगे। अभी हम इसे बिना पानी के ऐड करेंगे मिक्स के जार में, जरूरत लगेगी तो थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसे ऐड करेंगे 2 इलायची। हालांकि सौंफ की खुद की खुशबू बहुत अच्छी होती है, फिर भी 2 इलायची ऐड कर देंगे तो खुशबू और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसे भी पीस लेते हैं। ये हमारी सौंफ भी पीस के रेडी हो गई है, एकदम इसका भी फाइन पेस्ट बनाया है। इसे पीसने के लिए हमने थोड़ा सा पानी का यूज किया था। अब जो हमने मिश्री पीसी थी उसी के साथ इसे भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो बचेगा उसे हम स्टोर करने वाले हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें इलायची का फ्लेवर भी आएगा और सौंफ का फ्लेवर भी आएगा। ये नो कुक है, इसलिए आप इसे ज्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते। 15 दिन से ज्यादा आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। ये अभी ठीक है। और जो जार में हमारा बैटर लगा हुआ था उसको भी हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वैसे हम इसे बिना छाने भी पीस सकते हैं, पर एक बार इसको छान लेते हैं ताकि कोई भी गुठलियां वगैरह कुछ भी हो तो वो भी निकल जाए।
अब इसे एक बाउल में छान लेते हैं चलनी लगा के कुछ इस तरह से। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है और बस इतनी सी रस निकली है और एकदम अच्छा सा शरबत हमें मिल गया है। अब हम बनाते हैं प्योर शरबत। ये हमारा सौंफ का शरबत बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। पहले हम डालेंगे आइस। एक ग्लास में हम बनाएंगे पानी वाला और एक ग्लास में हम बनाएंगे दूध वाला, ताकि आपको जो पसंद हो आप वही बना के पी सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। पहले हम जितना जरूरत हो उसी हिसाब से इसमें ऐड करेंगे शरबत। और एक ग्लास में हम ऐड करेंगे पानी। ये हमने बनाया है सौंफ का पानी वाला शरबत। और अब इसमें हम बनाएंगे सौंफ का दूध वाला शरबत। आपको जो पसंद हो आप वही बना के पीजिए। अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमारा एकदम टेस्टी टेस्टी सा सौंफ का शरबत बनके रेडी। जो ये बाकी बचा है इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे, कांच के बाउल या कोई भी जार में हम इसे स्टोर कर देंगे। एकदम हेल्दी और टेस्टी सा ड्रिंक जो हमारे पेट, स्किन और हेल्थ सबके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें।